मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, तैयार हो गई? फाइनली। ड्राइवर एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर। लेकिन डैड वो वेट क्यों कर रहे हैं? मैं अकेले चली जाती। नहीं रुबाब, तुम अपने दोस्त की बर्थडे पे जा रही हो, तुम्हें आते हुए रात हो जाएगी डेफिनेटली। रात को मैं ड्राइविंग सेफ नहीं। एक तो डैड मुझे आपकी समझ नहीं आती। मैं पूरी दुनिया अकेले घूम सकती हूँ लेकिन अपने ही शहर में अकेले नहीं निकल सकती, क्यों? बेटा क्योंकि यहाँ पे अलग सिक्योरिटी इश्यूज हैं और फिर 100 दुश्मन है हमारे शहर में। 100 तो नहीं, बस एक ही है, पर सब पे भारी है। रुबाब, तुमने वो ड्रेस नहीं पहना जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। डैड आप प्लीज मॉम को समझाएं, मुझे दूसरों के स्टाइल और डिजाइन समझ नहीं आते। और अगर कोई दूसरा अपनी मर्जी मुझ पे मुसल्लत करता है, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। अच्छा, तो अब मैं कोई दूसरा हो गई हूँ। सुन रहे हैं आप शौकत, क्या बोल रही है ये? अरे शायस्ता, इसमें भी पॉजिटिव अप्रोच है। इंसान को अपने फैसले खुद करने की आदत होनी चाहिए। मुझे भी कोई डिक्टेट करे मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी है ना? बिल्कुल। अच्छा आप लोग प्लीज अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखें, मैं लेट हो रही हूँ और वापसी पे भी लेट आऊंगी। थैंक यू डैड, बाय। खुदा हाफिज़। इसको जिद्दी बनाने में 100% आपका ही हाथ है शौकत। तुम्हें क्या जरूरत थी रुबाब के सामने वो तस्करा करने की? दुश्मन वाली बात तो आपने खुद बोली है। वो दुश्मन जरूर है मगर बाज़र्फ है। बिजनेस में नीचा दिखा के मुझे अपनी अना को तस्कीन तो पहुंचा सकता है लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी औलाद के साथ बुरा नहीं कर सकता और मैं भी ऐसे हूं। आप तो उसका बुरा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आज तक 25 साल पुरानी मोहब्बत की चिंगारी जो दिल में चल रही है। मैंने तुम्हें शौकत की जिंदगी से तो निकाल दिया सबीन, लेकिन मैं आज भी उनके दिल से तुम्हें नहीं निकाल पाई। जीत कर भी हार गई हूं।